एवी फॉर द गेम प्लीज। मिल जाएगा यार एवी, एवी लेना पड़ेगा ना, मतलब खेल दे दो। Now it's the launch of the ebook. Hi, good evening ladies and gentlemen. And I hope you must have enjoyed the video game of Jodha Akbar. Have you? Please respond. Okay, must have. Anyway, so here I'm here to launch one of the most innovative creation made by our team, that is ebook on the history of Mughal Empire. And you know, it has everything. When did Babur come to India and everything like this. So let's see it and enjoy. Mughal Empire ruled the Indian subcontinent from 16 under Babur, was grandfather of the great Mughal Emperor Akbar. Interestingly, the Mughals were originally Central Asian Turks from Uzbekistan and claimed direct descent from the great Genghis Khan and Timur region of Mongolia. Though in earlier periods, Mughals followed Turco-Mongol practices, later on they became strongly influenced the third Mughal Emperor Akbar. Jalaluddin Muhammad Akbar, the third Mughal Emperor, was born on 14th October 1542 in Umarkot, Sindh, when his father, Emperor Humayun, and mother, Hamida Banu Begum. Darkhwast kar sakti ho agar koi aake hamare saath ye game hamare console pe khel sake hamare saath. Anybody from the media? I'm sure all of you would want to try your hands at the game. Anybody from the media? Any representative? Koi bhi. Chaya Ali Khan as Hamida on the stage, please. Lavina Tandon as Rukaya and Manisha Yadav as Salima on the stage, please. Naidu as Benazir and Juhi Aslam as Zakira on the stage, please. Friends, the house is now open for Q&As. We have our mics here. Anybody, any question, please raise your hands. Hello. हाय कपिल मेट्रो जाला दिल्ली से, ये कि कैसा लगा इस गेम को खेल के, खासतौर से जोधा और अकबर? अभी ये गेम आयो एंड बहुत जल्द वो एप्पल पे आ जाएगा, हालांकि जितने मेरे दोस्त हैं अपने सबके पास एंड्रॉयड है, तो जैसे भी होगा लेके खेल के मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुद खेलें और खुद बताएँ कि आपको कैसा लगा है, बिकॉज आपके साथ साथ हम भी फेमस्ड हैं कि ये गेम लॉन्च हुआ है। बाकी में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हेलो जी, हाँ बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है गेम देखकर। और एक बात और कहना चाहूँगी, जो स्टंट्स हम रियल लाइफ में नहीं कर पाते कॉन्स्टेंट हो जाता है एज एन ह्यूमन, इस गेम में हम सारे स्टंट्स करेंगे। तो बाकी में बहुत ही अच्छा क्रिएशन है, बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, आई रियली एंजॉयड इट। करेंगे, आप दोनों बोल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को आप खिलाने की तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों ने अभी तक नहीं खेला। जैसे मैंने अभी गेम लॉन्च हुआ है, एक होता है कि अपने ही रूल पे बना के तोड़ना अलग बात होती है, ऐसे रूल सबके लिए बना हुआ है, वो हम पे भी फॉलो होता है, तो कहीं ना कहीं उस रूल को हमें फॉलो करना ही होगा। आप सब खेलेंगे, आपके साथ हम भी खेलेंगे, जाहिर सी बात है। मैं तो डेफिनेटली खेलूंगा, बिकॉज मुझे गेम अच्छा खेलना लगता है। सो दो फिल्म लेके घूम रहा हूँ, कुछ तो करूँगा। वेल हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज ज़ुहैब। वेल आई गॉट अ क्वेश्चन विद मेघना। मेघना, फर्स्ट टाइम आप शायद टीवी पे हैं या इसके पहले भी आपने किया? ओके, मैं वीडियो एल्बम्स वगैरह किए ही हैं, और यू हैव बीन वेरी मीन्स पॉपुलर रिगार्डिंग कंट्रोवर्सीज, तो ये पर्टिकुलर रोल आपको करने में क्या कुछ होमवर्क वगैरह करना पड़ा, और
How was it all in? पहली बात तो ये कौन से कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मुझे बताइएगा प्लीज जरा साइड में लेके. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये यस मेरा पहला स्टिंट है टीवी पर और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है. पहली बार मैं एक टीवी शो कर रही हूँ और इतना बड़ा शो जैसे जोधा अकबर है एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बहुत ही एक्साइटेड हूँ और शायद ही यू नो इट्स वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. इसमें उमेश जोशी फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र. मेरा सवाल टीवी सीरियल कर रही है तो जैसे कि आप जैसे कि हर रोज देखते हैं कि नॉर्मल टीवी सीरियल चलते हैं तो दोनों सीरियल्स में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है या कुछ कठिनाइयां आ रही हैं कुछ? अच्छा हिस्टोरिकल शो. हाँ पीरियोडिक है ना. इट्स अ पीरियोडिक. जी हाँ डिफरेंस तो है. नॉर्मल डेली सोप में एक हिस्टोरिकल शो में मुझे बहुत कुछ डिफरेंट तैयारियां करनी पड़ी. खास तौर पे हॉर्स राइडिंग मुझे सीखना पड़ा, स्वॉर्ड फाइटिंग मुझे सीखनी पड़ी. इसके अलावा हिंदी बहुत ही क्लिष्ट रहती है हिस्टोरिकल शो में तो उस पर भी हमें काफ़ी वर्क करना पड़ा. तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत रहती है और जिस तरह का हमारा कॉस्ट्यूम रहता है ऐसे भी दिन भर कैरी करना बहुत ही मुश्किल रहता है. तो मेरे ख्याल से चैलेंजिंग हिस्टोरिकल रोल प्ले करना ज़्यादा रहता है डेली सोप से. तो एंजॉय किया आपने? जी हाँ बिल्कुल. हार्ड वर्क तो है ही और साथ में से हम एंजॉय भी कर ही रहे. थैंक यू. जोधा ओके चित्रा फ्रॉम न्यूज नेशन. आई वांटेड टू आस्क कि इस पर्टिकुलर वीडियो गेम में जो भी कुछ कर रहे हैं वो अकबर कर रहे हैं. आई मीन एज अ वॉरियर ऑल्सो सो आपका क्या योगदान है? एक्चुअली अकबर जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए ही कर रहे हैं. अल्टीमेटली उनका एम मुझ तक पहुंचना है. सो आप सिर्फ अपने सिंहासन पर बैठी रहेंगी एंड ही'ल कम टू यू एंड ही'ल मैरी यू. इज दैट सो? आई थिंक ही विल रेस्क्यू मी. एंड बीच में बहुत सारी अड़चने हैं. महामंगा जी हैं, रुकैया बेगम है. तो सबसे बचते हुए अकबर मेरे पास तक पहुंच जाएंगे. थैंक यू. रजत आप अकबर का करेक्टर प्ले कर रहे हैं काफी टाइम भी हो गया इसको तो आपको अकबर की कौन सी एक बात बहुत अच्छी लगती है और कौन सी ऐसी बात है जो उसमें बुराई नजर आती है? अकबर की बात जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुझे वो है कि बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फेमस होना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पावर चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ पैसा चाहते हैं. इस इंसान के पास सब कुछ है. नाम दुनिया जानती है, ताकत इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है, पैसा बहुत है. लेकिन उसके बावजूद एक होता है कि चलो अब आपको मिल गया, अब आप सेटिस्फाइड हैं, अब आप चुप हो जाएंगे, अब आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े मुकाम पर पहुँच गए हैं. ये बंदा कॉन्स्टेंटली ग्रो करता है, कॉन्स्टेंटली सीखता है लोगों से. इसका कभी ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ तो मैं जो बोलूँगा वो सही है. अपने छोटों से, अपने से बड़ों से इन सब की बात सुनता है, समझता है, पॉइंट देखता है, लॉजिक देखता है, लॉजिक देख के समझता है कि अच्छा ये है. और फिर से अपने आप में इतना स्मार्ट है कि कोई इंसान कुछ अगर कह रहा है तो उस इंसान की बातों पे या उसकी निगाहों पे या उसके सबटेक्स्ट पे ध्यान नहीं देता है. ये पूरा अपने दिमाग में ग्राफ बना लेता है कि अच्छा ये इंसान अगर ये कह रहा है तो उसका मतलब ये होगा, उसका मतलब ये होगा. तो ऐसे ही करके पूरा प्लान करके चलता है ये बंदा. सो बेसिकली ही इज़ अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग एंड एनीथिंग. तो अपने आप में ही ये बंदा बहुत बड़ी ताकत है. इसको इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी एक जो पावर होती है गोले बारूदों की, चाहे आपको आर्मरी होगी, चाहे आपको आर्मी होगी, चाहे आपके लोग हो गए, चाहे आपके सेशन वाले हो गए या आपके मिनिस्टर्स हो गए, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती. ये अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. इट्स लाइक ही इज़ अ वन मैन आर्मी. सो एक जो पावर है मुझे इस कैरेक्टर की वो बहुत अच्छी लगती है. एंड पावर होने के बाद वो जानता है उस पावर के साथ कैसा खेला जाए, कब दिखाई जाए, कब नहीं दिखाई जाए. सो कंट्रोल ऑन दिस पावर इज नाइस. वैसे ये सवाल तो प्रोडक्शन हाउस से था लेकिन उनमें से कोई यहाँ पे है नहीं. तो जोधा अकबर के बाद सलीम अनारकली तक जाएगा या यहीं तक ही रहने वाला?
जैसे आपने खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया है कि प्रोडक्शन हाउस से है, हमसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन हाउस को ही मालूम होगा कि सनी मना के लिए आएंगे या फिर 600-700 साल बाद आईफोन का एक ट्रेंड आएगा कि नहीं आएगा, कि जोधा अकबर अपने शर्ट और जीन्स पहन के घूम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको प्रोडक्शन से पूछना होगा। मैं शोमा घोष, गृह शोभा मैगजीन से। महामंगा से मेरा प्रश्न ये है कि आप हमेशा मतलब सबको परेशान करती रहती हैं और ताने बाने बुनती रहती हैं, तो रियल लाइफ में आप कैसी हैं? ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, इसीलिए चुना है। पता था प्रोडक्शन हाउस को कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टर को सिर्फ एक बार बताया, स्क्रिप्ट दे दी, कई बार तो स्क्रिप्ट भी साइड में रख देती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आई से द लाइंस, इफ यू वांट मी टू, आई मीन हाँ, मतलब आपको यही आंसर शायद एक्सपेक्टेड था तो ऐसे ही दिया। हो सकता है कि कई लोगों को लगता हो कि मैं रियल लाइफ में भी महामंगा हूँ, आई एम श्योर आई डोंट वॉन्ट टू, नोबडी वॉन्ट्स टू बी महामंगा इन एनीबडीज लाइफ, एंड महामंगा एज अ कैरेक्टर जो शो में भी दिखाया गया है, लाइक आई ऑलवेज से कि कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर ये बिकॉज एक स्टोरी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है, इसके लिए है। अगर आप महामंगा के व्यूज देखेंगे तो उसमें कोई वो गलत नहीं सोच रही, उसका अपना एक बेटा है, उसने अपनी अपने बेटे को शायद उतना तवज्जो नहीं दिया जितना उसने जलाल को तवज्जो दिया जब वो छोटा था, तो और आज जब उसका वो भाई आदम जब वो बड़ा हो गया है, हो सकता है कि वो अपना दिमाग इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ताकतवर तो वो बहुत है, ये सारे लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी जलाल कहीं पे उसको सूबेदारी नहीं दे रहा है या उतना तवज्जो नहीं दे रहा है, अगर उसमें वो ताब नहीं है तो जैसे जलाल के साथ महामंगा है वैसे आदम के साथ भी महामंगा हो सकती थी, दिस इज वॉट इज हर थिंकिंग, और अगर उसको वो रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो पूरी कोशिश करेगी, फिर शायद उसके रास्ते वो जो इख्तियार करती हैं वो गलत हों, और ऐसे में जब सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है और तब आती है एक राजवंशी शहजादी जिसे जलाल खामखा ले आते हैं महल में पता नहीं क्यों, और वो आके कहीं पे महामंगा के लाइफ में इंटरफेयर करने लगती है, तो ऐसे अगर आपके साथ भी हो जाए मैम तो आप भी उस किसी को भी अपने घर से बाहर कर देंगे। शी इज नॉडिंग सो लाउडली, शी अग्री। तो अगर महामंगा ऐसा सोचती हैं तो वो गलत नहीं सोचती, लेकिन जी हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताई जा रही है तो डेफिनेटली महामंगा एक नेगेटिव कैरेक्टर हो जाती है, उनकी सोच भी गलत हो जाती है क्योंकि उनके तरीके गलत हैं अपने सोच और विचार को जलाल के सामने पेश करने के या जोधा के सामने पेश करने के। तो जी नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश मनोकामना ऐसी कोई नहीं है, मेरे लाइफ में कोई आदम खान नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं, ना मेरे सास ससुर की या मेरे मम्मी पापा की कोई गद्दी है जिस पे मैं बैठने के लिए उतावल हो रही हूँ, कुछ नहीं है, तो मुझे महामंगा बनने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। हेलो, दिस इज संजय निगम फ्रॉम कीप इन टच। ये सवाल मेरा जोधा अकबर दोनों से है कि आप लोग ये जो वीडियो गेम लॉन्च कर रहे हैं या किया है, तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है और जितनी मेहनत से कॉस्ट्यूम बनती है या सेट डिज़ाइन होता है या सेट बनाया जाता है उसमें और ग्राफिक्स बनाने में बहुत अंतर है, बहुत मेहनत है, बहुत शिद्दत है, तो ये क्या डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा एक आने वाली जनरेशन को? हो सकता है पुराने लोग देख चुके होते हैं कि सेट कैसे होता है या कॉस्ट्यूम की क्या वैल्यूज होती है, तो ये क्या डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा या लोगों आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं बताएगा कि क्या एक्चुअल था क्या नहीं है? देखिए, एक नियम है ग्रोथ का, जब सोसाइटी ग्रोथ करती है या इस तरह की आज की तारीख में कई सारे सोशल मीडियम आ चुके हैं तो इसे रोका नहीं जा सकता है, ये एक तरह का आज एक हिस्सा बन चुका है हमारी सोसाइटी का सोशल मीडिया, और ऐसा कुछ नहीं कि डिस्ट्रैक्शन है, ये एक अलग मीडियम है, हम यहाँ पे रियल तरीके से सब चीज़ें दिखा रहे हैं, लोगों के दिल को ज़्यादा छूती हैं, वो गेम के नज़रे से ही देखा जाएगा क्योंकि वो एक गेमिंग है, वो प्रोग्राम है, उसे एंटरटेन में ही देखा जाएगा, उसमें इमोशंस उस तरीके से नहीं उभर के आएंगे जैसा हमारे प्रोग्राम में या जब हम किरदार आपस में बातें करते हैं जो जितना रियल टच देते हैं, तो बहुत ही अलग, दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं, वो गेम है, ये कला है जो हम दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, जो लोगों के दिलों को छूती है। ऑन बिहाफ ऑफ जी टीवी, सिंस देयर इज नोबडी फ्रॉम द चैनल साइड, मैं एक बात सिर्फ ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे,
आई थिंक रादर देन लुकिंग एट इट एज अ डिस्ट्रैक्शन, ये एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव है टू ट्राई एंड ब्रिंग हिस्ट्री इनटू द लाइव्स ऑफ टुडेज यूथ. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर टुडेज यूथ, इट्स फॉर एवरीबडी, ऑल ऑफ अस. हम शायद एक लेवल पे जाके हिस्ट्री के कई ऐसे पन्ने हैं जो भूल गए हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिस्ट्री दैट वी हैव प्रोबेबली स्टडीड इन स्कूल जो हमें आज याद नहीं होंगे. या तो फिर बच्चे भी काफी, जैसे नुपुर कह रही थी, काफी बच्चे हैं जो अभी इतने गौर से हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहते. काफी बार दे शाय अवे फ्रॉम योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ताकि उनके मन में उल्टा रुचि पैदा हो, ताकि वो लोग इंटरेस्ट लेके हिस्ट्री में थोड़ा बहुत. इट्स अ वेरी, अगर आपने ई बुक देखा तो आप ये अग्री करेंगे कि इट इज इन अ वेरी वाइब्रेंट वे विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग नरेशन हिस्ट्री इज बीइंग टोल्ड. सो इट्स एड्यूटेनमेंट इन दैट सेंस. So there is no attempt to distract the youth of today, but in fact add value to them. That's all. Hello, मेरा सवाल अकबर जी से है और character में भी वैसे ही नजर आते हैं. तो अकबर real life में ऐसे थे क्या? मेरे पास time machine नहीं है मैम. सच्ची में मेरे पास time machine नहीं है जो मैं आपको question का answer दे पाऊँ. लेकिन मतलब अभी आप वो रोल निभा रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं कुछ आपने एक फिल्म है, एक फिल्म है. मैं सॉरी, मैं हॉलीवुड फॉलो करता हूँ, उनके काम करने के तरीके, उनके बोलने के तरीके और कैसे वो किसी चीज़ पे वर्क करते हैं उस पर थोड़ा मैं फॉलो करता हूँ. मुझे लग रहा है कि शायद ये आंसर बहुत ही हिपोक्रेट लगेगा आपको, लेकिन मेरा काम करने का तरीका थोड़ा ऐसा है. तो एक फिल्म है, लिंकन नाम है, उसमें एक्टर हैं डैनियल डे लुइस, जिनको उसके लिए ऑस्कर मिला था बेस्ट एक्टर के लिए. उनकी एक सिंपल सी थियोरी थी और आई एम वेरी ग्लैड कि जब मेरा ये शो शुरू हुआ था मैं उनका मेकिंग में एक इंटरव्यू देख पाया था. उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही थी कि जब मेरे को लिंकन का ऑफर आया था, सिंपल सी बात थी मेरे लिए कि एक सवाल मेरे जहन में था कि लिंकन बोलता कैसे होगा, है ना. आपने लिंकन की कहानी पढ़ ली कि लिंकन ने ये किया, लेकिन लिंकन बोलता कैसे होगा, लिंकन देखता कैसे होगा, लिंकन सोता कैसे होगा, लिंकन जागता कैसे होगा. हमने आज तक जितने भी उसके बारे में पढ़ाई करी है उसके बारे में, देखिए आप हिस्ट्री यूरोप भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में एक संक्षेप में लिखा होता है कि इस डेट को इस दिन ये हुआ, क्यों, कैसे, किस वजह से, ये दिखाना हमारा काम है, हम दिखा रहे हैं. अब उस कैरेक्टर का ही, जैसे राइटर्स का काम होता है उस चीज़ को दिखाना, वैसे ही एक्टर का काम होता है कि उस चीज़ पर थोड़ा वर्क करना. जाहिर सी बात है इनिशियल लेवल पर हमने किसी और तरह से अकबर को पोर्ट्रे करने की कोशिश की, ओवर द टाइम बीइंग हमने उसमें मेच्योरिटी लाने की कोशिश की, उसके साथ जो चीज़ें रहीं उस चीज़ को दिमाग में कंसिडर करते हुए हमने अपने आप को ग्रो करने की कोशिश की. तो जो आप सॉफ्ट स्पोकन बोल रहे हैं, मैं ऐसे बात करता हूँ, अकबर ऐसे बात नहीं करता है. अकबर एक अलग एंगल पे बात करता है, जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, क्या पता अकबर बात नहीं करता, क्या पता अकबर के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बगल में खड़े होते हैं, बोलते हैं एक सेकेंड हम बात करते हैं, या पता चले एक सेकेंड कोने में लेके चले गए, आप दिखे नहीं बात में. तो इट्स अकबर, इट्स नॉट लेजेंड टोकस, तो फर्क है. नहीं, वो मुगले आजम में जो अकबर थे वो तो एकदम चिल्ला के बोलते थे ना, तो मुझे लगा कि वो स्टाइल आपका नहीं नहीं. देखिए चिल्ला के बोलना, ठीक है, चिल्लाने से कभी आपको ताकत नहीं मिलती है. एक इंसान जिसके पास बहुत ताकत है ना, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जिसके पास ताकत नहीं होती है वो खामा खा के अटेम्प्ट करता है अटेंशन सीख करने के, चिल्लाने के कि देखो मेरे को गुस्सा आ रहा है. जो ताकतवर होता है ना, आप नहीं चाहोगे उसे गुस्सा आए, आप बिल्कुल नहीं चाहोगे उसे गुस्सा है, क्योंकि आपको मालूम है अगर इस इंसान को गुस्सा आ गया तो ये अपने गुस्से में बहुत कुछ बुरा कर सकता है. जिसकी वैल्यू नहीं होती वो चिल्लाता है कामा का, जिसकी होता नहीं है ना कि एक तिलमिलाहट होती है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो इंसान चिल्लाता है, अटेंशन सीक करने की कोशिश करता है. इट्स ए क्राई फॉर हेल्प. स्क्रीमिंग एंड क्राई फॉर हेल्प इज ए डिफरेंट थिंग. मैं जैसे कभी अगर चिल्लाऊंगा भी ना तो बस इसलिए चिल्लाऊंगा कि यू नो एड्रेस करने के लिए जो लास्ट में एक बंदा बैठा होगा, बिकॉज we didn't have mic as an Akbar, if I'm portraying as an Akbar, I didn't have a mic to address my last man who was in my army. तो उसको बात समझाने के लिए आइसक्रीम की, देखो भाई मेरी बात ये है समझो, मतलब कि अबे ओए क्या कर दिया. तो फिर लोग जो तनख्वाह दे रहे हो तो मतलब निकाल देता हूँ नौकरी से. थैंक यू वेरी मच. कपिल अकबर जी दिस साइड, रजत कपिल. सभी अपने अपने गेटअप में बैठे हुए हैं. अकबर नहीं है, ना सर पे ताज है, ना पैरों में जूतियां हैं, ना तलवार है.
पैरों में जूते इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पैर में सर इंजरी हो गई थी लास्ट मंथ, मेरा पैर नीचे से थोड़ा सा मतलब फट गया था एंड काफ़ी टाँके आए थे एंड उस वजह से मैं जो मोल्डी है जो लेदर है और मोजी बेसिकली फ्लैट होती है, अगर आप उसमें कुशन भी डाल दें तो फिर भी वो जब चलती है तो थोड़ा फ्लैट होता है, तो चूँकि वो बहुत डीप कट रहा है उस वजह से मैं काफ़ी दिनों तक पैर नीचे भी नहीं रख पाया था क्योंकि ब्लड फ्लो होता था उसमें तो बहुत दर्द होता था, तो मैंने काफ़ी समय से पैर सीधा रखा, उसका स्वेलिंग वेलिंग आ गई थी, पता चला खून भी अंदर से ख़राब हो गया है, दिल्ली गया था वापस कटवाया, वापस सारा गंदा खून निकलवाया, तो उसके बाद से अभी मुझे इसमें थोड़ा चलने में थोड़ी आसानी होती है खड़े होने में बिकॉज उसमें कुशन मिल जाता है, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग देम। अबाउट क्या कहते हैं ताज, आई थिंक जवाब मिल गया होगा आपको, एंड अबाउट तलवार ज़रूरत नहीं है, बातों से ही कह सकता हूँ। Thank you, friends. We would like to end the Q&A over here. I would request the media to proceed for the Shahi Daawat laid out. Please, thank you. Thank you, everyone. Could we just have you on stage? You just request one quick photo op. One quick photo op with everybody. बस तीर नहीं लगना चाहिए। Thank you.